Welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. वैसे तो मेरा episode 2 बनाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे ये बनाना पड़ेगा क्योंकि पहले कल मेरी बारी थी और आज है साहिल की बारी। तो जैसे थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि अभी जो एपिसोड्स है मैं चाहती हूँ कि ये कंप्लीट कर दूँ। और उससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है सभी को, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है मुझे पता है कि हमारे रिलेटिव्स भी देखते हैं, मम्मा के साइड के भी देखते हैं, पापा के साइड के भी देखते हैं। तो लव स्टोरी नाम आती है सबसे पहले माइंड में थॉट आता है, लव स्टोरी मतलब ये लव मैरिज थी? सबको तो लगता था ये अरेंज मैरिज थी। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो शादी थी, आपको भी अभी मैं पता है पूरा सस्पेंस खराब नहीं करना चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले या मेरे पापा ज़्यादा टेंशन ले या उनको किसी की भी कॉल्स आए या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको एक बातें करने का मौका मिलता है मैं देना ही नहीं चाहती। तो मैं एपिसोड 2 में ही बता देती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि जितने भी लोगों को, पहली बात तो ये इसमें ही मैं क्वेश्चन ये बता दूँ कि ये लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ये कैसे है वो मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द रिलेटिव्स कि मेरे मॉम डैड को कोई कॉल ना करे या कोई फालतू की स्टोरीज ना बनाए, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है भाई। पूरे एपिसोड्स आप देखो तो आपको पता लगेगा ऐसी फालतू में कुछ भी नहीं बातें बनानी है। तो आज हम अपना शुरू करते हैं फिर से मुझे तो पता है आज एपिसोड नंबर 2 एपिसोड नंबर 2। तो लेकिन इसमें आज मेरी बारी नहीं आएगी, आज इसमें साहिल की बारी। आज मैंने यूज किया ये वाला पेन, ये बूफी ने अभी तोड़ दिया इसीलिए साहिल गए। चलो कोई बात चलो कोई नहीं, मुझे पता है कि कल मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे तो आज साहिल पूछेंगे और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर कि मैं कोई चीज नहीं भूलती हूँ और मैं सब कुछ अच्छे से जवाब दूंगी तो और मैं ऐसे नहीं करूंगी जैसे साहिल ने किया था बिल्कुल भी। ठीक है तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज और, I'm sorry, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मम्मी के पापा के, तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि साहिल की साइड मेरी साइड सबकी सेम है, तो हमारे रिलेटिव्स मतलब साहिल की साइड के भी और मेरे भी, कोई ज़्यादा भी अपना दिमाग ना चलाएं कि यार एकदम से ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बस वही है कि अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो बस पूरे एपिसोड देखो तब पता लगेगा, पहले ही जज नहीं करना है। चलो पहला क्वेश्चन कॉलेज टाइम में तब हमने एक गाने पे डांस किया था ना,26 जनवरी के टाइम पे कुछ वहाँ पे उन्होंने कराया था, कौन सा था? तो वहाँ पे एक गाना था जिसमें हमने डांस किया था, हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले लड़कियों ने मैंने उल्ले उल्लारे में किया था, मुझे स्टेप भी याद है। 26 जनवरी में उल्ले उल्लारे कौन चला रहा होता है? मतलब हमने गिद्दे किए थे और गिद्दे किए थे ये पक्का है ना, 26 जनवरी थी ना 15 अगस्त था, दिवाली का टाइम था क्योंकि हमने रंगोली भी बनाई थी। मैं कितना कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ 26 जनवरी हाँ दिवाली का टाइम था, रंगोली बनाई थी ना, मैंने ब्लैक पहना था याद है मेरे को, याद रंगोली बनाई थी ना, तो मैंने उल्ले उल्लारे मतलब उल्ले उल्लारे नहीं था वो मुझे ट्रॉफी भी मिली थी, मतलब मैशअप सॉन्ग्स थे लेकिन हुल्ले हुलारे टॉप पे था तो मुझे याद रह गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की साइड, बताओ जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम टेक्स्ट किया था, टेक्स्ट मैसेज, तो मैंने उस टाइम पे सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज क्या किया था? हेलो ये क्या बात है, हेलो बोला फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज हेलो, तो मैंने बोला ना हु इज ही, इन्होंने बोला साहिल दिस साइड, तो ये क्या बात है यार, चलो ये आपको कैसे क्यों याद है, क्वेश्चन ही इतनी इजी लेकर आए, पहला टेक्स्ट यही आया था हेलो, आपकी फेवरेट वाली मार्केट से खरीदा था जो मैंने दिया था आपको फर्स्ट गिफ्ट क्या था वो?
फर्स्ट गिफ्ट क्या याद है, मुझे याद है। इससे ना काफी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग नहीं, रिलेटिव्स काफी इससे काफी लोग काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम हस्बैंड वाइफ बनने से पहले बेस्ट फ्रेंड है, तो हम वैसे भी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे। तो हमें पहला गिफ्ट जो मुझे हमें जो मुझे मिला था हमने दिया था कपड़ों में नहीं था फर्स्ट गिफ्ट जो था। आज आप बता दो मेरे को, मेरा बर्थडे था आज, आप मुझे बता दो मेरा बर्थडे था। वो मैं नहीं बताऊंगा कि आपका बर्थडे था क्या था, पर फर्स्ट गिफ्ट क्या था बस आप मुझे इतना बताओ। फर्स्ट गिफ्ट था, फर्स्ट गिफ्ट आपको नहीं मिल रहा है। फर्स्ट गिफ्ट, अरे याद तो मुझको आ रहा है, मैं बस थोड़ी वो हो गई हूँ। क्या हो गई हूँ? मुझे फर्स्ट गिफ्ट मेरी फेवरेट मार्केट से मुझको मिला था। हाँ। आपको याद, एक छोटा सा फोन मिलता था। छोटा सा, इतना सा फोन नहीं था, वो एक टॉय था मतलब ना, और वो चलता भी था, वो चाइनीज था, और आज तक याद है 1000 rupees का था ना वो, और आज तक वो रखा है हमारे पास, मेरे पास है, मेरी मेमोरी में। दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, दिखाएंगे नेक्स्ट में दिखाऊंगी। हाँ वो इतना सा फोन है वो, मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को था कि इसको ये फोन चाहिए, तो इन सब ने मिलके मुझे वो फोन दिया था, जिसमें पर साहिल ने सबसे ज्यादा उसमें एफर्ट किए थे। चलो एक एक क्वेश्चन तो मैंने जीता, मुझे तो याद था। ठीक है, आपको याद है आपकी फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी एक लड़की से? यस, अब तक याद है। तो उस टाइम पे आपने क्या पहना हुआ? मैंने येलो ड्रेस पहनी थी, कल भी बताया। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये उस लड़की ने क्या पहना हुआ था। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मुझे याद है ग्रीन टॉप, मुझे पूरा सुना करो, ग्रीन टॉप, पूरी ड्रेस ग्रीन टॉप, नेल का कलर भी बताओ। चल रहा है साइज इतना दे दो, जल्दी पूछो यार। अभी क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। चलो प्लीज एक दो और दे दो प्लीज। नहीं साहिल, मैंने भी तो 5 ही पूछे थे, आप भी 5 ही पूछोगे। ये क्या क्वेश्चन आपने, ये वेस्ट कर दिया ना, इसका मतलब 5th क्वेश्चन पे आ गए। अरे ठीक है, तो मेरी फेवरेट डाइट क्या थी? फेवरेट डाइट मतलब जो हम मोस्टली अपने खाना खाने, छोले कुलचे, कोल्ड ड्रिंक के साथ 24 घंटे, मतलब 24 घंटे नहीं चला, लंच टाइम में सबसे पहले मोस्टली हम लंच कहां करते थे? कैंटीन में, लेकिन हम लेकर आते थे छोले कुलचे, जो सबसे छोले कुलचे खाते थे हम, फेवरेट सबसे फेमस। क्या बात कर रहे हो, आज आप बता दो। चलो हम सिटी पे नहीं जाते थे, वो तो जब कोई किसी का बर्थडे होता था या हम लोगों के पास काफी अच्छी पॉकेट मनी आ जाती, पूरा ग्रुप होता था जो क्लासमेट्स का होता था, तो क्या होता था जिस दिन सबके पास बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे होते थे तो हम जाते थे बड़े रेस्टोरेंट में, लेकिन जब हमारे पास डेली की जो नॉर्मल पॉकेट मनी होती थी उसमें हम जाते थे छोले कुलचे लेने, तो छोले कुलचे इतने फेमस हुआ करते थे। इसी आप भी फेमस है। वैसे तो हम सब कुछ खाते थे सब कुछ, लेकिन ऐसे ही मत सोचना कि बिल्कुल ही 5 रुपए मिलते थे, पर था कि हमने ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाती थी, तो मैंने पता नहीं कि छोले कुलचे खाने स्टार्ट कर दिए थे। बट हम पूरे ग्रुप में, हम लोग कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 तो थे हम, जो पूरा साथ रहता था जो ग्रुप, उसमें सबसे ज्यादा पॉकेट मनी इनकी हुआ करती थी। तो मैं कभी ऐसे नहीं कि भाई किसी की पॉकेट मनी खर्च करानी है कुछ भी, सबका ये हुआ करता था कि सब करेंगे अपना आपस में डच और फिर जाएंगे अपना खाने पीने, तो हम लोग छोले कुलचे लाते थे सबसे ज्यादा। तो साहिल की फेवरेट डाइट तो यही लगती थी मुझे, क्योंकि डेली मुझे छोले कुलचे के लिए बोलते थे, सबको बोलते छोले कुलचे खाने, और कोल्ड ड्रिंक भी लेते थे साथ में। मैंने तो बोला था गाइस देखो कि ऐसे मुझे सब याद रहता है, मैं नहीं बोलती, मेरे को सब याद रहता है, मैंने ऋतिक रोशन की तरह क्यों बोला। चलो अच्छा मेरे को लास्ट क्वेश्चन नहीं बताओ, मेरा आउटफिट कलर बताओ जो मैंने भी पहना था और उसी दिन आपको वो टीवी में भी दिखाई दिया था।
जैक एंड जॉन्स ब्रांड था और येलो कलर की टी शर्ट थी, शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें मैंने बोला था कि आज मैंने मूवी देखी है और आज ही आपने ये पहना हुआ था, तो मतलब मुझे तो सब याद है। नहीं, ये वाला गलत है, जैक एंड जॉन्स का था, ब्रांड सेम था जो आप कह रहे हो, पर उसमें येलो नहीं था। आप याद करो, एक ऑरेंज था, फिर ऐसे व्हाइट था, ऑरेंज व्हाइट पट्टियां बनी हुई थी, जो ना याद करो मेरे को, आप भी कहोगे तो मैं फोटो दिखा दूंगा आपको ढूंढ के। आपने कल भी याद नहीं आपको जैक एंड जॉन्स का ऑरेंज और व्हाइट? मैंने अपनी याद मान ली, इनको मैं कह रही हूँ ढूंढो ढूंढो, आप ढूंढो, शायद आपको याद आए, आप ढूंढो। आई वॉन्ट टू से कि वो इन्होंने कल की डेट भी सेव की थी जो अब तक नहीं मिली है, तो इनको कोई। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, चलो दोनों भाई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। लास्ट मेरे को आप ये बताओ, वो डे कौन सा था, वो मंथ कौन सा था जो जिसका आंसर आपने अभी तक दिया नहीं? जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वो मंथ तो मुझे भी नहीं याद। फर्स्ट टाइम मिले थे, मैंने कब पूछा? वो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था कि हम फर्स्ट टाइम कब मिले, कौन से मंथ में मिले थे, कौन से मंथ में मिले थे, बताओ। हाँ तो मैं तो बता दूंगी, बताओ। वो मंथ था गाइस जब पहली बार मिले, बताओ। जुलाई, जुलाई, मैंने कल बोला था मई जून जुलाई था, तो आपने बोला नहीं, इन्होंने बोला था मई जून जुलाई, जुलाई नहीं बोला मेरा। मैं जून में भी उधर ही थी क्योंकि मेरा वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, बट हम जुलाई में मिले थे, हम जो फ्रेंड्स बने थे जुलाई में बने थे, क्योंकि मुझे तो सब याद था। और जैसे कि मैंने इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला कि अभी काफी एपिसोड्स आने बाकी हैं, क्योंकि मेरा तो मेन जो लव स्टोरी आपको बतानी थी वो तो मैं बता ही नहीं पाई हूँ, अभी तो सिर्फ हमारे क्वेश्चंस ही चल रहे हैं एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि किसको कितना याद है। और लेकिन मैं खुश बहुत हूँ कि साहिल बहुत क्यूट है और इनको सारी चीजें याद है, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ब्लॉग बंद किया था तो ये ना ऐसे हो गए कि इनको सब कुछ याद नहीं आएगा, तब तक ये शांति से नहीं सोएंगे। तो उन्होंने एक एक चीज मुझे बताई और मुझे काफी हंसी आई, क्योंकि मैंने इनको कल ये बोला जैसे ब्लू स्टॉल नहीं था तो ब्लू स्टॉल ही था, ब्लैक आउटफिट थी, बट वो कितनी जल्दी मान गए ये भी तो आप देखो ना, तो मतलब पर जीती मैं। और आज का जो व्लॉग था, हमने ट्राई किया आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताने की कि आपको भी पता लगना चाहिए कि मुझे कितना पता था। तो साहिल, अब कल हम करेंगे कल का इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि कल हम ये बताने वाले हैं कि शादी कैसे हुई है ना। नहीं नहीं, ये भी बताएंगे तो? तो मिले थे, और सिचुएशन क्या थी कि किस तरीके से मिले, मेन कि हम कैसे मिले थे, और मेरी फर्स्ट टाइम इनसे बात कैसे हुई या इनकी मेरी फर्स्ट टाइम बात कैसे हुई। कल मेन इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्या चल रहा है ना कि मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे रहता है कि मैं कल जो ब्लॉग करने वाली थी उसी में सब कुछ बताने वाली थी, फिर हमारा ये स्टार्ट हो गया कि मैंने 5 क्वेश्चन पूछे, फिर मुझे पता लगा भाई साहब जी तो कुछ जिसमे की आपको फाइनली ये सब पता लगेगा की हम कैसे मिले थे, कैसे बात स्टार्ट हुई थी और शादी तक बात कैसे पहुंची, कि ऐसा क्या हुआ था कि हमारी शादी हो गई, लव अरेंज, अरेंज लव कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो मतलब ये सब एक थोड़ा सा बना देते हैं सस्पेंस, ताकि तब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को भी सुनने में मजा आए और मेरे मम्मी पापा को भी सुनने में मजा आए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पता नहीं शायद हमें ही नहीं पता था कुछ या ऐसा। तो अभी मैं कुछ हाइड नहीं कर रही हूं, तो मैं एपिसोड्स के थ्रू आपको सब कुछ बताऊंगी और कल का ब्लॉग जरूर देखना। सो गाइस, जैसे कि अभी आज आपने देखा जो भी था और बाकी की कल मिलते हैं, और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बहुत हैप्पी।